नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मानसी, नेहा अभी तक नहीं आई। ओ माँ, मैं आपको बताना ही भूल गई। वो आज अंकित से मिलने गई है ना, तो उसे थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? कहीं बात हुई? 6 महीने से घर पे बैठे हो, ऐसे कैसे चलेगा? यार इसने ट्राई कर रहा हूँ ना। वैसे तुमने वो असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब क्यों मना कर दी? देखो स्नेहा, पहले मैं सीनियर अकाउंटेंट की जॉब पर था, अब मैं जूनियर असिस्टेंट की जॉब नहीं कर सकता। वैसे मैंने 2-4 जगह रिज्यूमे डाले, आई होप जल्दी रिवर्ट आ जाए। ठीक है, देख लो। अंकित, ड्रग्स फिर से? तुमने तो ये सब छोड़ दिया था ना, फिर ये सब क्या है? वो स्नेहा, जॉब की टेंशन थी तो थोड़ा ले लिया, पर आई प्रॉमिस मैं आगे से नहीं लूंगा, ये मेरा लास्ट टाइम। अच्छा, तो फेंको इसे। ठीक। नो अंकित। देखो अंकित, ये ड्रग्स लेना बंद करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता जब तुम ये सब करते हो। ठीक है, तुम्हारी कसम मैं आगे से कभी नहीं लूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, माँ वेट कर रही होगी। स्नेहा, थोड़े पैसे हैं क्या? जरूरत थी। अंकित, अभी सैलरी नहीं आई है, 1-2 दिन में देती हूँ। ओके, बाय। बाय। मानसी, क्या हुआ? तू अभी तक कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई? माँ, आज कॉलेज की छुट्टी है। स्नेहा, अंकित कैसा है? उसे जॉब मिली कि नहीं अभी तक? अंकित ठीक है माँ, बट अब तक उसको नौकरी नहीं मिली, ढूंढ रहा है। हे भगवान, 6 महीने हो गए, उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली। पता नहीं ये लड़का भी ना, अरे वो शर्मा जी का लड़का देखो, 1 महीना नहीं हुआ नौकरी छोड़े, दूसरी नौकरी ढूंढ भी ली उसने।
ये अंकित का ना कुछ समझ में नहीं आता। माँ तुम्हें थोड़ी शादी करनी है उससे, जिसे करनी है उसे समझ आ गया ना। तो चुप कर। देख स्नेहा, तेरी उम्र निकली जा रही है और इससे पहले कि लोग तेरे बारे में कुछ बातें करना शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए। और अंकित से बोल जल्दी से कुछ करे और चार पैसे इकट्ठा कर ले, वरना मैं तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढना शुरू कर दूंगी, समझी? नेहा वो मैं सॉरी। तुम नहीं सुधरोगे ना? What sorry? तुम्हारे लिए मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, माँ से लड़ी हूँ, दुनिया भर में सिफारिश करती फिर रही हूँ, तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है? ए नेहा, धीरे बोल। बार बार चिल्ला रही है, चपड़ चपड़ करे जा रही है। दे मुझे, दे। नहीं दूंगी। दे ना, पता कितना महंगा आता है ये। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। पता कितना महंगा आता है, तू नहीं देते मुझे पैसे। आसानी से फेंक दिया, पता कितना महंगा आता है ये। निकल यहां से, शकल मत दिखा दिया मुझे। अरे क्या हुआ दीदी आपको? क्या हुआ? अरे स्नेहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? अंकित से झगड़ा हुआ क्या? मैं आप सच कहती थी, अंकित मेरे लायक बिल्कुल नहीं है। वो ड्रग्स लेता है और जब मैंने उससे मना किया तो उसने मुझ पे हाथ उठाया। हे भगवान, मुझे तो वो पहले से ही लड़का अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तेरी जिद के आगे मैंने तुझे नहीं रोका। लेकिन अब नहीं, एक जल्दी से अच्छा सा लड़का देकर तेरी शादी करवा देती हूँ। अच्छा उस अंकित का चेहरा शादी के पहले ही सामने आ गया, वरना गजब हो जाता। जी भाई साहब, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कल, हाँ ठीक है ठीक है, आप कल आ जाइएगा। हाँ ओके बाय, नमस्ते। स्नेहा सुन, स्नेहा कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। पर क्यों माँ? कल लड़के वाले आ रहे तुझे देखने। मैंने कहा ना माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। देख स्नेहा, बहुत हो गई तेरी मनमानी। भलाई इसी में है कि उस अंकित को अपने दिलो दिमाग से निकाल दे, उसका कोई फ्यूचर नहीं है बेटा, और तू क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करने पर तुली हुई है? हाँ कल लड़के वाले आ रहे हैं, चुपचाप वो लड़का देख ले, तुझे वो लड़का पसंद आ गया तो बात आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं। अरे वाह, ये लड़की भी ना। उठा
पैसे कहां से लाऊं अब? भाई साहब लीजिए ना, चाय लीजिए। आप भी लीजिए। भाई साहब ये है स्नेहा, मेरी बड़ी बेटी। स्नेहा ये है निकेतन और ये उनके पिताजी हैं। मेरी एक और बेटी है मानसी, वो कॉलेज गई है, उसके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं ना, इसलिए आती होगी। बहन जी आपकी बेटी हमें पसंद है, अगर स्नेहा को भी निकेतन पसंद है तो बात आगे बढ़ाई जाए। अरे लीजिए मेरी छोटी बेटी आ गई मानसी। बेटा ये है निकेतन और ये उनके पिताजी। आप तो निकी शर्मा हो ना? मानसी राइट? या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ अंकल, एक्चुअली हम सोशल मीडिया पर एक साल से फ्रेंड्स हैं, लेकिन फेस टू फेस आज ही मिले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तुम्हारा नाम तो निकी से। वो एक्चुअली मेरा पेट नेम है। ओह चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो। चलो जीजा सालिम में बहुत अच्छी जमेगी। हाँ भाई साहब अगर आपको अच्छा लगे तो अगले हफ्ते एंगेजमेंट रख ले। क्यों नहीं बहन जी। अरे आपने चाय खत्म ही नहीं की। आप भी लीजिए। बिठा लो। क्या हुआ दीदी, अंकित की याद आ रही है? मानसी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दी अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपने शादी के लिए हाँ क्यों किया? आप अंकित को समझा के देखो, शायद वो अपनी आदत छोड़ दे। वही तो कर रही हूँ। मतलब? मतलब मैं निकेतन से शादी इसीलिए कर रही हूँ ताकि अंकित को थोड़ी अक्कल आए और शायद वो अपनी बुरी आदतें बदलने के लिए रेडी हो जाए। मतलब आप निकी को बाद में मना कर दोगे तो क्या ये सही रहेगा? वही तो समझ नहीं आ रहा ना कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। हेलो गौरव यार, तू 1000 रुपये दे दे प्लीज भाई, मैं तेरे लौटा दूंगा। हेलो राघव, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा। स्नेहा रेडी हो गई? हाँ तुम यहाँ बैठो, मैं अभी बुलाती हूँ स्नेहा को। अरे निकी। हाय। हाय मानसी। हाय कैसे हो? मैं अच्छा, तुम बताओ। ओ सॉरी, अब तो तुम्हें निकी ने जीजू बोल के बुलाना पड़ेगा ना। अरे मानसी यू कैन स्टिल कॉल मी निकी, पहले हम दोस्त हैं, ये जीजा सारी तो बाद में है ना। फिर ठीक है। अच्छा ये बताओ सुबह सुबह यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए निकला था तो पापा ने बोला स्नेहा को भी साथ लेता जाऊं। पापा ने कहा या खुद से बहाने बना रहे हो? कहीं दीदी को होटल वोटल में लेके जाने का इरादा था? अरे मानसी तुम भी ना। वैसे अब तक आई नहीं, लेट हो गई क्या? तुम्हारे लिए मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, माँ से लड़ी हूँ, दुनिया भर में सिफारिश करती फिर रही हूँ, तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है? देख ले आप, धीरे बोल, बार बार चिल्ला रही है, चपड़ चपड़ करे जा रही है, देख मुझे पता कितना महंगा आता है ये। Thank you.
स्नेहा बेटा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। मैंने बोला था ना कि निकी आ रहा है तुझे शॉपिंग के लिए जाने के लिए। जी माँ, बस 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी तैयार होकर आ जा, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुन, तुम्हारा ये बार बार दुखी चेहरा देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई जुर्म कर रही हूँ तुम्हारी ये शादी करवा के। ओफो माँ, कैसी बातें कर रही हो। लो अब आ गई ना बड़ी सी स्माइल, अब खुश। चल जल्दी से रेडी होकर आ। अरे वो अंकित को लेकर परेशान है ना, इसीलिए उनका मूड ऑफ है। अंकित? कौन अंकित? तुम्हें दीदी ने इसके बारे में बताया नहीं था? ओ शिट, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं बताना चाहिए था। नहीं तुम बताओ मुझे, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कौन है अंकित? निकी, मुझे नहीं पता था कि दीदी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। वो एक्चुअली अंकित ना दीदी का बॉयफ्रेंड है। वो अभी ना दीदी की उससे अनबन चल रही है, इसीलिए उनका मूड ऑफ है। लेकिन तुम इस बारे में प्लीज दीदी को मत बताना, प्लीज निकी। हाँ हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगा उससे। क्या बातें चल रही है जीजा साली में? अरे कुछ नहीं दीदी, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वैसे तुम क्या कर रही हो, तुम भी चलो ना हमारे साथ शॉपिंग पे। अरे नहीं नहीं, मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। आप दोनों जाओ ना, एंजॉय करो। चले चलिए, बाय। स्नेहा, बुरा ना माना तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो ना? मेरा मतलब, मैंने कल भी देखा तुम उदास थी और आज भी तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा है। खैर अब भी देर नहीं हुई है, तुम कहो तो मैं शादी के लिए मना कर दूं? ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मेरा किसी के साथ अफेयर था। बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। पर तुमने अचानक ये बात क्यों पूछी? अंकित ना दीदी का बॉयफ्रेंड है और अभी उनकी थोड़ा अनबन चल रही है एक दूसरे से, इसीलिए उनका मूड ऑफ है। सॉरी, वो मन में आया तो पूछ लिया। वैसे भी मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था या नहीं। जब हमारी दोनों की शादी होने वाली है तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे और बदले में मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। कहाँ खो गई? कहीं नहीं, मैं बस यही सोच रही कि तुम कितने अच्छे और सच्चे इंसान हो। अब चले वरना शाम यही हो जाएगी। नमस्ते आंटी जी। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, स्नेहा को थप्पड़ मारा? आज तक मैंने अपनी बेटियों पर हाथ भी नहीं उठाया और तूने उसे थप्पड़ मार दिया? निकल जा यहाँ से। वो आंटी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं उस दिन होश में नहीं था। प्लीज एक बार आप स्नेहा को बुला दीजिएगा, मैं उससे माफी मांग लूंगा। स्नेहा घर पर नहीं है, वो अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग पे गई है। मंगेतर? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ मंगेतर, उसकी शादी फिक्स हो गई है और अच्छा होगा कि तू उससे दूर रहे, वो अब तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये अच्छा होगा तू यहाँ से निकल जा, वरना तुझे धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। निकल जा यहाँ से और आज के बाद यहाँ अपना मुंह मत दिखाना, समझे? निकल जा, निकलो।
स्नेहा, स्नेहा तू? आंटी जी क्या बोल रही हैं? तुम्हारी शादी किसी और से फिक्स हो गई? हाँ हो गई तो? स्नेहा प्लीज ऐसा मत करो यार, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? अंकित मैं तुमसे प्यार करती थी पर अब नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हें भी तो ड्रग से ज्यादा प्यार है ना यार। उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा प्लीज। नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे अभी की अभी वादा करो कि तुम आज के बाद ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाओगे, और वो जो जूनियर असिस्टेंट की जॉब थी वो भी कल से स्टार्ट करोगे। बोलो कर सकते हो? देखा कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास, पता था मुझे अंकित तुमसे ना ये नहीं हो पाएगा, तो प्लीज आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, इट्स ओवर। रुको स्नेहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आज के बाद परेशान ना करूं तो मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है प्लीज। यू डिस्गस्ट मी, इसे चाहिए तुम्हें। मैंने आज सुबह भी तुमसे कहा था अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, लेकिन तुमने नहीं बोला। खैर अब भी देर नहीं हुई, मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। निकेतन ये सच है कि मैं किसी और से प्यार करती थी, इनफैक्ट मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ भी उसी की वजह से बोला था। मुझे लगा कि शायद ये सुन के कि मेरी शादी किसी और से हो रही है वो बदल जाएगा और अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा, पर तुमने देखा ना उसे आज भी मुझसे ज्यादा अपने ड्रग्स की पड़ी है। देखो अगर तुम्हें शादी से इनकार करना है तो ठीक है, पर सच तो ये है कि आज मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे पास से कोई लेना देना नहीं, तो निकेतन सच तो ये है कि अंकित मेरा बीता हुआ कल जो कभी लौट के वापस नहीं आने वाला। अगर आज तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे दीदी क्या हुआ आपको, आपके चेहरे का इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है? ये देख ये है मेरी टेंशन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। देख अगर इसने सच में जान दे दी तो कहीं तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ, तुम एक काम करो इससे जाकर मिलकर आओ और सारी बात खत्म करके आना। क्या ये सही होगा? हाँ तुम जाओ और जाके इससे बात करो। आ गए स्नेहा तुम, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अंकित मैंने कहा था ना हमारे बीच जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है, और तुमने मुझे कहा था कि तुम अब मुझे परेशान नहीं करोगे तो क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? पैसे चाहिए क्या? पैसे नहीं चाहिए,
बस एक बार तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे अंकित छोड़ो, इसीलिए बुलाया मुझे यहाँ पे। हाँ एक बार एंजॉय करना प्लीज, एक बार। छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो तुम, मैं जा रही हूँ। आज मुझे नखरे दिखाती है। अरे भाभी, दो दिन बचे हैं एंगेजमेंट को और आप लोग अभी तक नहीं आए। आप ही को तो सब कुछ दिखाना है, जल्दी से आ जाओ। हाँ अच्छा भाभी, मैं अभी रखती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? ये कांस्टेबल, क्या बात है? आंटी जी, वो स्नेहा। क्या हुआ स्नेहा को? स्नेहा अब हमारे बीच नहीं रही। वो स्नेहा अंकित से मिलने गई थी। स्नेहा, क्या हुआ स्नेहा? स्नेहा उठो, स्नेहा, स्नेहा। मुझे मेरी बेटी को देखना है। नहीं देखूंगी। उसकी बॉडी पुलिस के पास है पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद ही हमें बॉडी मिल पाएगी। आप ये पंचनामे पे साइन कर दीजिए। जॉब कर लेता मैंने क्या कर दिया? नहीं, सॉरी, I'm sorry। माफ कीजिएगा बहन जी, स्नेहा के जाने का दुख हमें भी है। लेकिन क्या करें, ऊपर वाले को यही मंजूर है। बस आप हिम्मत मत हारिए। बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मैं जानता हूं बहन जी, ये सही समय नहीं है बात करने के लिए, लेकिन क्या करूं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। आप तो जानते ही हैं बहन जी कि लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, कि शादी के बीच कुछ ऐसी बातें हो जाए तो। मुझे डर है बहन जी कि मेरे बेटे के बारे में भी लोग ऐसी ऐसी बातें ना करना शुरू कर दें। इसलिए मैं चाहता हूं बहन जी, निकेतन और मानसी की इंगेजमेंट करा दी जाए। माफ कीजिएगा बहन जी, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। नहीं भाई साहब, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझती हूं आप जो कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर मानसी राजी हो तो
अब जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है और माँ भी एग्री है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? आपको जो सही लगे आप कीजिए। देखिए बहन जी, मानसी बिटिया ने भी हाँ कर दी है, अगर आप कहे तो एंगेजमेंट की तैयारी शुरू करें। जी भाई सर। मानसी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे सुजीत जी और निकेतन तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, चल जल्दी से तैयार हो जा, चल चल। अरे क्या हुआ बेटा? ऐसे मौके पर नहीं रोते बेटा, सनिया के साथ जो होना था हो गया, उसके नसीब में यही था। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, निकेतन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब रोना बंद कर और जल्दी से तैयार होकर आ जा। चलो इन्हें। चलो तुम दोनों अब अंगूठी पहना एक दूसरे को। ठहरो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, अंकित का कुछ पता चला? अंकित को हमने अरेस्ट कर लिया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। और उसने हमें बताया कि स्नेहा की मौत का अकेला वो जिम्मेदार नहीं। कोई और भी है जो स्नेहा की मौत का जिम्मेदार है। ये आप क्या बोल रहे हो, कौन है, कौन गुनहगार है? निकेतन, तुम उस दिन अंकित के घर कैसे पहुंचे? मुझे मानसी ने एक फोन करके कहा था कि स्नेहा अंकित से मिलने जा रही है, मुझे वहां जाना चाहिए क्योंकि उसे डर था कि कहीं अंकित उसे कुछ कर ना दे, जो कि हो गया। नहीं, मानसी ने तुम्हें वहां इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि उसे स्नेहा की फिक्र थी।
बल्कि इसलिए भेजा था कि तुम वहां जाओ और स्नेहा और अंकित को एक साथ देख लो। और स्नेहा से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दो। क्यों मानसी? यही प्लान था ना तुम्हारा? बताओ इन्हें। इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? तुम चुप क्यों हो? बोलो ना कुछ। वो क्या पूछ रहे? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। माँ मेरा ही प्लान था ये सब। तुमने ये सब क्यों किया? क्या चाहती थी तुम? क्योंकि माँ मैं निकी से प्यार करती थी। आज से नहीं तब से, जब से वो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है तब से चाहती हूँ इसे। मैं हमेशा सोचती थी कि आज नहीं तो कल मैं निकी से जरूर मिलूंगी और मैं उसे अपने प्यार का इजहार करूंगी। लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मुझे भीला भी तो जीजा साली के रूप में। जब दीदी ने मुझे बताया कि वो सिर्फ अंकित को जलाने के लिए ये सब कर रही है तो मुझे तसल्ली हुई कि चलो जब दीदी मना कर देगी तो तब मैं निकी को अपने प्यार की बात बताऊंगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निकी के साथ शॉपिंग पर जा रही थी और फिर मैंने निकी को दीदी के अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। वो एक्चुअली अंकित ना दीदी का बॉयफ्रेंड है। वो अभी ना दीदी की उससे अनबन चल रही है, इसीलिए उनका मूड ऑफ है। लेकिन तुम इस बारे में प्लीज दीदी को मत बताना प्लीज। निकी हाँ, तब भी कुछ नहीं हुआ। निकी ने दीदी की बात पर यकीन कर लिया कि उसका कोई अफेयर नहीं है। लेकिन जिस दिन अंकित माँ से मिलने के लिए घर आया और माँ ने उसे भगा दिया, मैंने उस दिन अंकित से बात की। अंकित, अंकित सुनो मेरी बात। बस जा रहे हो दीदी से मिले बिना? बस यही प्यार था ना तुम्हारा? तुम क्या बोल रही हो रमानसी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा पहले से दिमाग खराब और मत करो। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि दीदी तुमसे अभी भी प्यार करती है। उसने तुमको सबक सिखाने के लिए उससे शादी के लिए हाँ की है ताकि तुम अपनी ये ड्रग्स की आदत छोड़ दो। वो थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम उससे मिलकर जाओ। सच में मानसी तुम सच बोल रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुमको जाना है तो जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हाँ, माँ की नजर से थोड़ा बच कर रहना, ठीक है? मैंने सोचा जब निकी स्नेहा और अंकित को एक साथ रूम में देख लेगा तो वो इस रिश्ते के लिए जरूर मना कर देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पर उस दिन निकी और स्नेहा जब रूम में एक साथ थे तब मैं उन्हें देख रही थी। मैंने जब इन दोनों को साथ में देखा तो मेरा खून खौल उठा।
मुझे लगा दीदी मुझसे मेरा प्यार छीन रही है, और फिर मैं अगले दिन अंकित से मिली। अरे मानसी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम अभी भी स्नेहा से प्यार करते हो? पर अब इन सब बातों का क्या मतलब? मतलब है, इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर तुम चाहो तो स्नेहा अभी भी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकती है। पर कैसे? वो तो मुझसे बहुत नफरत करती है। तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहूँ, और फिर देखना वो निकी स्नेहा से खुद रिश्ता खत्म कर देगी। पर करना क्या होगा? तुम्हें स्नेहा को अपने पास बुलाना है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करनी है, और उसी टाइम पर मैं निकी को वहाँ भेज दूंगी, और वो तुमको उस हालत में देख लेगा, और फिर निकी स्नेहा को खुद छोड़ देगा। अगर मैं मना कर दूं तो? पैसों के लिए तो करोगे? पैसे दूंगी, पैसे तो चाहिए ना। 50,000। 50,000? फिर तो मैं करूंगा। कहो तो अभी स्नेहा को फोन लगा दूं? नहीं, जब मैं कहूंगी तब कर। फिर मैंने अंकित को कहा कि तुम स्नेहा को मिलने के लिए बुलाओ, और स्नेहा को कहा कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। ये देख, ये है मेरी टेंशन। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। Just don't know what to do। तुम एक काम करो, इससे जाकर मिलकर आओ और सारी बात खत्म करके आना। क्या ये सही होगा? हाँ। वो भी वहां पर चली गई। मैंने निक्की को कॉल किया कि स्नेहा और अंकित दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसे भी वहां पर जाना चाहिए। वो भी वहां पर चला गया। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन अंकित ने वहां पर अपना आपा खो दिया और स्नेहा की जान चली गई। मां, मेरा बिल्कुल स्नेहा को मारने का इरादा नहीं था, मैं बस उसे निकी से अलग करना चाहती थी। मां, ये तुमने क्या किया? अरेस्ट करो इसे। चलो थाने। मां, सॉरी, ये तुमने क्या किया? Ha ha ha!